बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाज़रीन अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको होम मेड ईटेबल ग्लिटर बनाने की रेसिपी बताएंगे, जो कि बहुत ही आसानी से आप घर में बना सकते हैं। केक डेकोरेशन के लिए ये बहुत ही ब्यूटीफुल रहती है। केक बहुत ही अच्छे तरीके से आप डेकोरेट कर सकते हैं, पेस्ट्रीज आप डेकोरेट कर सकते हैं और बहुत ही ईजीली ये आप घर में बना सकते हैं। ये देखिए, हमने कुछ ग्लिटर बनाए हैं, गोल्डन है, ऑरेंज है और ये देखिए, और ये जो ब्राउन कलर की आप देख रहे हैं, ये मैंने चुकंदर के कलर से बनाई है। चुकंदर काट के उसके पानी को डाल के उससे बनाया है। ऑरेंज तो फूड कलर यूज़ करा है, येलो भी मैंने फूड कलर यूज़ करा है। तो चलिए बताते हैं आपको होममेड ईटेबल ग्लिटर कैसे तैयार होती है। तो ग्लिटर बनाने के लिए हमने एक पैन ले लिया है और उसमें एक कप पानी, ये देखिए पूरा एक कप, ये वाला एक कप पानी डाल देंगे। एक कप पानी शामिल कर दिया, और एक ही चम्मच, खाने वाला चम्मच जो है, एक चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे इसमें। ये देखिए, ये वाला खाने वाला चम्मच मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो कंटिन्यू चलाएंगे ताकि नीचे चिपके नहीं और ट्रांसपेरेंट होने तक पकाएंगे। ये देखिए, ट्रांसपेरेंट हो गया है बिल्कुल। अब इसमें कलर ऐड करूंगी मैं। ये देखिए, एक चुटकी भर येलो कलर में ऐड कर रही हूँ इसमें, और इसी कई हाफ में ऑरेंज कलर ऐड कर रही हूँ। जो भी फूड कलर आप यूज़ करते हैं घर में वो डालिएगा। बहुत ही इजीली बन जाती है ये, लेकिन बहुत ही खूबसूरत लगती है। आप केक बनाएंगे घर पे बच्चों के लिए, कप केक्स बनाएंगे, उसको डेकोरेट करें, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। थोड़ा ठंडा होने देते हैं, चलाते हुए इसको ठंडा करेंगे, फिर हम इसको प्लास्टिक शीट के ऊपर फैलाएंगे। ये देखिए, इस तरह की हमने शीट ले ली है, इसके ऊपर हम फैलाएंगे। बिल्कुल पतली वाली मत लीजिएगा, ये थोड़ी सी मोटी, जैसे बच्चों की कॉपीज़ पे हम कवर लगाते हैं वो वाली शीट है ये यूज़ कर सकते हैं आप। और इसके अलावा के बैग्स जो हमारे घरों में होते हैं, प्लास्टिक बैग, इस तरह के प्लास्टिक बैग भी हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इसके ऊपर भी हम फैला सकते हैं, तो कुछ ठंडा होता है हमारा बैटर, फिर हम उसको फैला के दिखाते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, ये ठंडा हो गया है, कुछ ठंडा हो गया है, बिल्कुल ठंडा नहीं करना तो जमने लगेगा। और हमने यहाँ पे शीट बिछा दी है, अब इसको फैलाना शुरू करते हैं शीट के ऊपर। एक थिन लेयर हम इसकी जमाएंगे, बहुत ज़्यादा ना थिन हो ना बहुत ज़्यादा मोटी लेयर हो, ताकि आसानी से ड्राई हो सके इस तरह से। जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा फिर हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हम इससे ग्लिटर तैयार करेंगे। जी व्यूअर्स, देखिए हमने जो होममेड ग्लिटर बनाने के लिए कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर बना के उसको सुखाया था शीट के ऊपर, प्लास्टिक शीट पे, वो देखिए कितनी जल्दी ड्राई हो गया। आजकल वैसे ही बहुत ड्राई
मौसम है तो ये 4-5 घंटों के अंदर बिल्कुल देखिए अब बिल्कुल खुश्क हो गया है। देखें मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, ये देखिए, ये देखिए, और ये निकाल के हम एक जगह देखिए जमा करके डाल दिया है सारा इसमें और बिल्कुल अच्छे से कर दिया। अब इसको चलते हैं पीसने की तरफ। आपके सामने इसीलिए पीस रहे हैं, देखिए भर दिया, इसको पीसते हैं। ये देखिए फिर प्लेट में डाल के दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए, ये देखिए व्यूअर्स, ये देखिए व्यूअर्स तैयार है हमारी होममेड ग्लिटर, ये देखिए